जब एक शिकारी ने राम जी पर चढ़ाया मांस का टुकड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गई। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लोकप्रिय कथाओं के अनुसार एक शिकारी थीमक नामक एक दिन शिकार के लिए जंगल गया। उन्हें वहाँ एक मंदिर मिला जिसमे राम जी स्थापित थे। थीमक के मन में राम जी के लिए गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहाँ पर कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि के साथ ये काम किया जाए। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस को राम जी पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए, ये सोचते हुए कि राम जी ने उसके चढ़ावे को स्वीकार कर लिया। इस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो इस मंदिर से कई दूर रहता था। हालांकि वो राम जी का भक्त था, लेकिन वो रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसीलिए वह सिर्फ 15 दिन में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो राम जी के बगल में मांस पड़ा देखकर वह भौचक्का रह गया कि ये सोचते हुए कि ये किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई कर दी और अपनी पूजा की ओर चला गया। अगले दिन थीमक और मांस अर्पित करने के लिए आया। थीमक को पूजा पाठ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो राम जी के सामने बैठ के अपने मन की बातें किया करता था। एक दिन उसने मंदिर की सफाई करनी चाहिए और उसके पास कोई बर्तन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पास के झरने से पानी कैसे लेके आएगा, इसीलिए वो अपने मुंह में पानी भर के लाया और राम जी पर अपने मुंह से पानी निकाल के उसकी सफाई करने लगा। जब ब्राह्मण वापस राम मंदिर में आया तो राम जी पर धूप और मांस चढ़ा हुआ देखकर वह बहुत क्रोधित हो उठा। वो समझ गया कि ये किसी जानवर का काम नहीं है बल्कि एक इंसान का है। उसने मंदिर साफ किया और राम जी को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ा और फिर पूजा पाठ करने को घर चला गया। लेकिन कई बार आने पर उसे राम जी वही अशुद्ध अवस्था में मिलता रहा। एक दिन उसकी आंखें से आंसू भर आए और उसने राम जी से पूछा, हे राम जी, हे प्रभु, आप इतना अपमान क्यों सह रहे हो? मूर्ति से आवाज आई, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हूँ और वो जो भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते हो तो मेरे पास में ही कहीं छुप जाओ, वो आने ही वाला होगा और तुमको अपनी भक्ति की शक्ति दिखाएगा। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छुप गया। थीमक मांस और पानी के साथ आया। उसे देखकर वह आश्चर्य हुआ कि राम जी हमेशा की तरह उनका चढ़ावा स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। उसने राम जी की मूर्ति को करीब से देखा तो पाया कि राम जी की दाहिनी आँख से कुछ निकल रहा है। उसके उस आँख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन उससे और रक्त बहने लगा। आखिर उसने कर अपना आँख दान देने का फैसला किया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आँख निकाली और उससे मूर्ति पर लगा दिया। रक्त टपकना बंद हो गया और हिम्मत ने राह की सांस ली, लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि राम जी के बाईं तरफ से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल ही अपनी दूसरी आँख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वह इसे देख नहीं पाएगा कि उसे आँख लगानी कहाँ है। फिर उसने मूर्ति की दाहिनी ओर और अपना पैर रखा और अपनी आँख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए राम जी ने थीमक को उसी समय दर्शन दिए। उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई ताकि वह राम को देख सके। वह राम जी के आगे झुक गया। उसी कनप्पा ने नार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कन्ना यानी कि आंखें अर्पण करने वाला और नैनार यानी कि राम का परम भक्त। दोस्तों, ये थी एक खास शिकारी की कहानी जिसने अपनी एक आंखें राम जी को अर्पित कर दी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।